नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस की पार्ट 17 वीडियो में। तो मैं ये जो वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, ये वीडियो रिलेटेड है जो लास्ट टाइम हमने आपको वीडियो बनाकर दी थी कप एंड हैंडल से। तो उसमें हमने देखा था कप एंड हैंडल पैटर्न किस तरह से काम करता है, उसमें स्टॉप लॉस कैसे होते हैं, टारगेट किस तरह से हम बुक करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये भी सेम कप एंड हैंडल पर ही डिपेंड है, बट यहां पर जो है बिल्कुल इसका ऑपोजिट होने वाला है। मींस ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल है, वहां पर कप सीधा बनता था, हैंडल सीधा बनता था, और यहां पर क्या है, यहां पर कप भी अभी उल्टा बनेगा और यहां पर जो हैंडल है वो भी आपको उल्टा ही दिखाई देगा। तो जैसा कि आप यहां पर पिक्चर में देख सकते हैं कि ये देखिए, एक यहां पर शेप जो आपके सामने बनी हुई है और ये हैंडल की शेप बनी हुई है। तो यहां पर देखिए, हमको ऐसा अज्यूम होता है, हमको ऐसा इट सीम्स लाइक दिस कप इज ऑपोजिट साइड, ओके, मतलब कि ये जो कप रखा हुआ है ये उल्टे साइड रखा हुआ है, उल्टा करके रखा हुआ है, जैसे किसी ने चाय पी करके कप उल्टा करके रख दिया हो। तो ये जो है इस तरह की पोजीशन में आपको दिखाई देता है जो चार्ट में पैटर्न बनते हैं, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। तो ये जो कप होता है और ये जो कैंडलें होती हैं, ये कैंडलें जो है समझ ली एक ऑपोजिट राउंड बॉटम की तरह इसको टच करते हुए नीचे की तरफ आती हैं, और ये जो नेक लाइन होती है यहां से जो है एक बार स्टॉक फिर जो है बाउंस बैक करता है। बाउंस बैक क्यों करता है, वो बाउंस बैक जो होता है वो हैंडल बनाने के लिए होता है, तो इसको जो है हम हैंडल कहते हैं। तो ये ऑपोजिट कप समझ लीजिए हो गया, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। तो ये पैटर्न जो है मार्केट में बहुत रेयर ही बनते हैं, बट यहां पर जब भी ये पैटर्न बनते हैं यहां पर जो गिरावट होती है बहुत तेज होती है। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कभी भी कप एंड हैंडल पैटर्न देखना है तो ये एक बियरिश मार्केट में देखा जाता है, ये कोई ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न नहीं है, दिस इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। जैसे कि पहले से ही एक बियरिश ट्रेंड चला आ रहा है, उसके बीच में आपको ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न आपको दिखाई देगा। यहां पर जो है कप में जो है ये जो कैंडलें बनती हैं इसको टच करते हुए करंट एक राउंड बॉटम बनाती हैं, और उसके बाद हैंडल, देखिए हैंडल के कई शेप हो सकते हैं, ठीक है, ये हैंडल इस तरह से भी हो सकता है, ये हैंडल राउंड भी हो सकता है, ये हैंडल जो है हॉरिजॉन्टल में भी हो सकता है, और ये हैंडल जो है आप एक ट्रायंगल में भी हो सकता है। तो मैं आपको वो सारी चीजें अभी करके बताऊंगा, वो सारी पिक्चर्स आपको बना के दिखाऊंगा। क्योंकि देखिए मार्केट में क्या होता है कि कई लोगों को, जैसे मान लीजिए उनको पता है कि कप एंड हैंडल में कप भी राउंड बॉटम होगा और ये राउंड अप टॉप होगा, और जो हैंडल जो बनेगा वो भी इस तरह से होगा, बट वहां पर उन लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सो मैं आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन दूर करूंगा और बता दूंगा कि मार्केट में किस तरह से इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न हम देख सकते हैं, ये हाउ मच टाइप्स ऑफ इट, इसके कितने प्रकार हो सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको अभी यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी दोस्त हमारा आज नया पहली बार वीडियो देख रहा हो तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, एक यहां पर जब हमको यहां पर देखिए कप इस तरह से राउंड कर लेना है, जब कभी भी हम मार्केट में इस तरह की हम सिचुएशन देखते हैं। और देखिए यहां पर स्टॉप लॉस की बात करूंगा, तो स्टॉप लॉस जो है इसका जो हाई लगता है, जो यहां पर हाई लगा हुआ है यहां पर हमने स्टॉप लॉस प्लेस करना है। यहां पर नेक लाइन होती है, नेक लाइन ब्रेक होने के बाद जो है हमने यहां पर एंट्री लेनी है। टारगेट देखिए क्या होगा, टारगेट यहां पर ये जो हम यहां पर एक नेक लाइन तैयार करेंगे वो मैं अभी मैं आपको आगे पिक्चर में शो करके दिखाने वाला हूं। यहां पर एक हम नेक लाइन तैयार करेंगे और इसका जो टॉप लगा हुआ है, ये टॉप और इस नेक लाइन के जितनी विथ होगी, मींस अगर यहां प्राइस 100 रुपए है, यहां पर 110 रुपए है, तो ये 10 रुपए मतलब समझ लीजिए हमारा टारगेट होगा। दिस इज फॉर एन एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया है। तो नेक्स्ट देखिए, जो इस तरह से देखिए, जैसे कप उल्टा करके किसी ने रख दिया हो, ठीक है, ये जो कप है इसको किसी ने उल्टा करके रख दिया हो, और हैंडल भी देखिए सेम जो है इसी तरह से होगा, तो इसको जो हम बोलेंगे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। तो चलिए आइए मैं आपको जो है इसमें करके दिखाता हूं, पिक्चर आपको बना के दिखा देता हूं कि आपको पता चले कि किस तरह से कप एंड हैंडल पैटर्न जो है फॉर्म हो सकते हैं, कौन कौन सी पोजिशन हो सकती है। तो यहां पर पहले मैं आपको इस तरह से एक उल्टा, ये देखिए एक कप इस तरह से हो सकता है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होगा,
यहां पर इस तरह से हम इसका जो है हैंडल इस तरह से देखिए, जो फर्स्ट पिक्चर जो होगी मार्केट में जो आपको दिखाई देगी वो ये पिक्चर होगी, ठीक है। इस तरह से आपको चार्ट में कभी भी आप अगर देख रहे हैं चार्ट ओपन करके, तो ये भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न हो जाएगा। तो ये हमारा जो है मतलब टाइप फर्स्ट है, ये पहला पहला प्रकार है मतलब कप और कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का। देखिए दूसरी पोजीशन मार्केट में इस तरह से हो सकती है, कप तो देखिए जो कप बनेगा वो कप सेम रहेगा, ठीक है, कप में कोई जो है डिफरेंस नहीं होने वाला है। और यहां पर देखिए एक और यहां पर इस तरह से पोजीशन हो सकती है, यहां पर आपको एक मार्केट यहां पर कुछ टाइम के लिए समझ लीजिए साइडवेज हो जाए, या फिर रेक्टेंगल पैटर्न समझ लीजिए आप मार्केट यहां पर एक बनाएगी ये कप एंड हैंडल पैटर्न में। तो ये जो हो गया ये दूसरा टाइप हो गया। देखिए अब मैंने आपको यहां पर दो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न के मैंने पिक्चर बनाकर दिखाए हैं। ये पहला हमारा कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न है, ठीक है ना, इस तरह से भी आपको जो है चार्ट में दिखाई दे सकता है। और देखिए एग्जैक्टली देखिए कप एंड हैंडल तो ये है, बट आपको इसमें जो है कई प्रकार की चेंजेस देखने को मिल सकती हैं। जो चेंजेस मैंने आपको ये बताई हैं, चेंजेस आपको कहां पर दिखाई देंगी, चेंजेस आपको सिर्फ जो है सिर्फ हैंडल में दिखाई देंगी। हैंडल जो है तीन चार प्रकार के हो सकते हैं, सो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग जो है इसमें ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं हमने तो जो सीखा है वो इस तरह का सीखा है, बट अभी ये आ गया तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं है। जी नहीं दोस्तों, ये भी इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न है, बट यहां पर देखिए हमारा अगर इस तरह का कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है तो हमारा स्टॉप लॉस इस हैंडल के ऊपर होता है, ठीक है। और अगर मार्केट में आपको इस तरह का अगर हैंडल में आपको रेक्टेंगल पैटर्न यहां पर दिख जाए, तो इस रेक्टेंगल पैटर्न के ऊपर आपका जो है स्टॉप लॉस होने वाला है। देखिए ये पैटर्न बहुत अच्छा माना जाता है, बिकॉज यहां पर जो है स्टॉप लॉस बहुत छोटे हो जाते हैं और टारगेट ये पूरा इतना हो जाता है। तो अभी देखिए यहां पर मैं अभी आपको बताऊंगा हमारा ये जो इसके बीच का जो गैप है, ये जो गैप है ये हमारा टारगेट होगा। जितना भी इसके बीच में गैप है, चाहे वो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न किसी भी तरह का फॉर्म हो रहा हो, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, तो ये हमारा जो है एक समझ लीजिए ये हमारा टारगेट होने वाला है। और देखिए नेकलाइन जो मैं आपको बता रहा था, कभी भी मार्केट में अगर इस तरह का पैटर्न बनता है तो आपको इस तरह से नेकलाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैं यहां पर कलर चेंज कर देता हूं तो आप लोगों को जो है अच्छे से दिखाई देगा। ओके, तो इसको भी हम जो है डार्क कर लेते हैं, यहां पर डार्क कर लेते हैं। ओके, तो देखिए ये इस तरह से आपको, नहीं मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ, व्हाइट जो है ब्लैक पर अच्छा दिखाई देगा। यहां भी इसको हम व्हाइट कर लेते हैं। तो ये देखिए अब हमारा इस तरह का अगर पैटर्न बनता है तो आपका स्टॉप लॉस यहां पर होगा, ओके, और आपकी एंट्री यहां पर होगी जब भी इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, इस नेक लाइन का ब्रेकआउट होता है, जब भी प्राइस जो है इस नेक लाइन के नीचे एटलीस्ट वन कैंडल क्लोज कर दे। वो कैंडल क्लोज करने के बाद आपको जो है उसके नीचे आपको देखिए, जैसे मैं आपको करके बता दे रहा हूं, जैसे समझ लीजिए ये कैंडल ने एक नीचे क्लोजिंग दे दी, ओके। तो ये मान लीजिए अगर नीचे कैंडल की क्लोजिंग होगी तो उसका कलर जो है ऑब्वियसली जो है रेड होने वाला है। तो ये समझ लीजिए एक कैंडल ने नीचे यहां पर क्लोजिंग दे दी इस तरह से। अब इस क्लोजिंग के नीचे मान लीजिए इस यहां पर प्राइस जो था प्राइस 1000 रुपीज था, और ये प्राइस जो नीचे क्लोजिंग दी है कोई भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है तो यहां पर समझ लीजिए 990 है, तो आपको 988 पर जो है अपनी एंट्री लेनी है, ठीक है ना। ज्यादातर मेरे दोस्तों को क्या होता है कि मतलब एंट्री में प्रॉब्लम होती है कि एंट्री कहां पर लेनी है। सो मैं आप लोग को यहां पर बता दे रहा हूं, ये हमारा एसएल हो गया, ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं ये हैंडल के ऊपर जो है ये हमारा एसएल हो जाएगा, ओके। ये हमारी एंट्री पॉइंट हो गई इसके नीचे, और ये पूरा हमारा टारगेट होगा, ठीक है। और सेम हमारा इसमें भी होने वाला है, ये जो इस पॉइंट के ऊपर जो रिक्टेंगल चैनल यहां पर फॉर्म होगा ये हमारा यहां पर एसएल हो जाएगा। यहां पर जो है देखिए सेम इस तरह से एक कैंडल यहां पर भी फॉर्म होगी, ओके। जब यहां पर ब्रेकआउट होगा तो यहां पर भी एक कैंडल इस तरह समझ लीजिए फॉर्म हो रही है, तो सॉरी यहां पर कैंडल ये फॉर्म हो रही है, ओके। तो ये कैंडल के नीचे ये कैंडल को मतलब आप ये समझ लीजिए कि कम से कम आपको इस कैंडल को क्लोज होने देना है। ऐसा नहीं है कि प्राइस यहां से जो है अभी मूव कर रहा है और आपने यहां पर एंट्री ले, नो, बिकॉज इट में रिवर्स, ये रिवर्स हो सकता है, रिवर्स होकर ऊपर की तरफ जा सकता है, दोबारा रिक्टेंगल चैनल के अंदर जाके फंस सकता है, ट्रैप हो सकता है। सो आपको जो है एटलीस्ट वन कैंडल जो है
ट्रेंड लाइन के नीचे, सॉरी इस रेक्टेंगल चैनल के नीचे या फिर इस हैंडल के नीचे बोल लें, क्लोज होने देना है। क्लोज होने के बाद उस पर्टिकुलर प्राइस का जो भी नीचे लो है, उस लो के नीचे आपकी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस आपका ये हो जाएगा इस हैंडल के ऊपर, और टारगेट आपका इसके बीच में जो भी गैप आपको दिखाई देगा, मान लीजिए 100 रुपए का गैप होगा, 200 रुपए का गैप होगा, तो ये आपका जो है टारगेट होगा। देखिए रेक्टेंगल चैनल को हम क्यों ज्यादा फॉलो करते हैं एज ए हैंडल के रूप में, बिकॉज यहां पर जो है स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है। अभी चलिए मैं आपको और भी पैटर्न अभी फॉर्म करके दिखाने वाला हूं कि मार्केट में किस तरह से और भी पैटर्न फॉर्म हो सकते हैं। तो अब देखिए दो तरह के पैटर्न आपने देखे, मैं आपको देखिए बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई परेशानी होती, कोई दिक्कत होती, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, या फिर आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं। ओके, तो अब ये देखिए तीसरा पैटर्न मार्केट में किस तरह से फॉर्म हो सकता है उसके बारे में अभी हम देखने जा रहे हैं। तो ये देखिए जो तीसरा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न होगा वो इस तरह से मार्केट में फॉर्म हो सकता है। कप जैसा मैंने आपको बताया, कप जो है सेम रहने वाला है, कप में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है, और यहां पर इस तरह से एक समझ लीजिए ये अप मूव हो सकती है। यहां पर समझ लीजिए एक अप मूव हो गई इस तरह से, ओके, तो ये आपको अप मूव हो गई। तो इस तरह से भी हैंडल जो है मार्केट में फॉर्म होते हैं। तो देखिए जो जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक पिक्चर में दिखाया था, यहां पर भी जैसा आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न में देखिए यहां पर हैंडल किस तरह का बन रहा है। सो तीसरा पैटर्न हमारा ये होगा, देखिए इस तरह से होगा। अब देखिए यहां पर जो है हमने इस यहां पर भी इस तरह से एक नेक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये हमारी नेक लाइन हो गई, ओके। और यहां पर देखिए आप एंट्री किस तरह से ले सकते हैं, अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न के माहिर हैं, आपको बहुत अच्छी तरह आपको नॉलेज है कैंडल स्टिक पैटर्न की, तब तो आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं यहां पर, ओके। आफ्टर मल्टी कंफर्मेशन ऑफ कैंडल स्टिक एंड मोर, बहुत चीजें मतलब साथ में ऐड करने के बाद यहां पर एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आती है तो आप यहां पर एंट्री लीजिए, ओके। मान लीजिए यहां पर कैंडल ने ब्रेक किया है, और इस कैंडल का मान लीजिए ये हाई जो है ये 1000 रुपीज है, और ये जो लो है वो 990 है, तो आपको 988 पर अपनी एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस आपका यहां पर होगा, इस हैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस होगा, टारगेट आपका सेम होगा। इसमें जो भी गैप आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो भी गैप आप देख सकते हैं, जितना भी इसका गैप होगा नीचे से लेकर ऊपर तक, मान लीजिए ये प्राइस नीचे का प्राइस है 1000 रुपीज और ऊपर का प्राइस है 1100 रुपीज, तो ये 100 रुपीज का आपका जो है टारगेट हो गया। अब देखिए मार्केट में जो है चौथा एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल भी फॉर्म होता है, मैं आपको उस चीज के बारे में भी बता देता हूं। सो आपको जो है मतलब फ्यूचर में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इस तरह के पैटर्न देखकर, आपको साफ देखें अपने पता लग जाएगा कि ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न ही फॉर्म हुआ है। तो देखिए चौथा जो है जो टाइप फोर है वो किस तरह से फॉर्म हो सकता है मार्केट में, वो देखिए वो इस तरह से, जैसा ये कप तो देखिए सेम रहने वाला है, कप में कोई डिफरेंस नहीं होगा, कप आपका इस तरह से कप आपका बन गया समझ लीजिए, ठीक है। और सेकंड जो है यहां पर जैसा मैंने आपको बताया था रिक्टेंगल चैनल यहां पर बन जाता है, तो यहां पर देखिए कई बार यहां पर क्या होता है इस तरह से ये एक ट्रायंगल पैटर्न आपके सामने दिखाई देगा, ओके। और यहां पर जो है हमने अपनी नेक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये हमारी नेक लाइन हो गई। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक कप फॉर्म हुआ, कप फॉर्म होने के बाद यहां पर एक ट्रायंगल पैटर्न हुआ, तो ये टाइप फोर है। तो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न में चार तरह से जो है चार्ट में आपको इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई दे सकते हैं। सो आपको यहां पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल जो है कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना है। अभी यहां पर देखिए जैसे कि हमने लास्ट के वीडियोस में हमने देखे हैं कि डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, तो ये जो चार्ट पैटर्न यहां तो एक कप बन गया, और यहां पर जो है डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है, और वहां पर भी सेम मान लीजिए इस तरह से एक ब्रेकआउट होता है आपके सामने। अभी आपको जो है एंट्री इसके नीचे लेनी है। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, कभी भी जो है आपने कैंडल को रनिंग पीरियड में आपने वहां पर एंट्री कभी नहीं लेनी है, बिकॉज ये जो है यहां से रिवर्स होकर ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ भी कर सकता है। ऐसा कोई जो है थंब रूल नहीं है कि इन्वर्टेड कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न में जो है नीचे की तरफ ही ब्रेकआउट होगा।
10% ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ भी है, देखा भी गया है कि मतलब ऊपर की तरफ जो है कई बार ब्रेकआउट हो जाते हैं। सो हमने उस टाइम में ऐसे सिचुएशन में हमने जो है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न जो हम देख रहे थे हमने उसको अवॉइड करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट रूल देखिए जो मैंने बताया कि आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं कि फर्स्ट रूल हमने क्या देखना है, ये एक कंप्लीटली एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, दिस इज नॉट अ रिवर्सल पैटर्न, ये कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं है, ठीक है, ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, दिस इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये मान लीजिए डाउन ट्रेंड चल रहा है और डाउन ट्रेंड के बीच में ही ये आपको कहीं पर दिखाई देगा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। सो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल चार्ट पैटर्न है, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके जो है मतलब अपनी आईज को ट्रेंड करिए कि मतलब कहां पर ये पैटर्न बन रहे हैं। अगर आपकी आईज ट्रेंड होंगी तो आप जो है इंट्राडे ट्रेडिंग में भी बहुत आसानी से इस तरह के पैटर्न को अपने चार्ट में ढूंढ सकेंगे। तो चलिए आइए जो है मैं आपको कुछ चार्ट पैटर्न जो है इसके एग्जाम्पल देके दिखाता हूं। तो यहां पर जो है हम इसका एग्जाम्पल लेंगे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न के। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा हीरो मोटोकॉर्प में। तो यहां पर हीरो मोटोकॉर्प में जो है सॉरी हीरो मोटोकॉर्प या तो हीरो मोटोकॉर्प में इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न का जो है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न बना था, तो मैं आपको वो दिखा देता हूं। यहां पर मैं 1 आवर का चार्ट मैंने ले रखा है, तो यहां पर मैं इसको पीछे करूंगा, ठीक है, मैंने ड्रॉ भी करके रखा हुआ है, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो आपको जो है मतलब बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा कि इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न किस तरह से फॉर्म होते हैं। ये देखिए अभी जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, आप यहां पीछे देखिए यहां पर जो है एक कंप्लीटली जो है डाउन ट्रेंड है। ये देखिए पीछे, आप पीछे की तरफ देखिए, ये कंप्लीटली डाउन ट्रेंड है, ओके। अब इस डाउन ट्रेंड में आकर जो है बीच में कहीं ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न बना है। तो ये देखिए देखिए सिंपल जो है मतलब बिल्कुल एक राउंडिंग, जिस तरह से हमने ऊपर एक कप को राउंड में हमने यहां पर तैयार किया हुआ है, तो इस राउंड को टच करते हुए कंटिन्यू एक कप बना। कप बनने के बाद इसी तरह से सेम जो है इस राउंडिंग को टच करते हुए एक हैंडल बना, ओके। तो यहां पर देखिए एक हैंडल, यहां पर देखिए ये जो कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, ये जो रेड कैंडल है, ठीक है। एक चीज और है कि यहां पर जब भी ब्रेकआउट होंगे तो वो ब्रेकआउट में जो है गिरावट बहुत तेज होगी मार्केट में। जब भी आप इस तरह का कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न अपने चार्ट में कभी भी देखें, और जब भी ब्रेकआउट होता है तो आपने जो है मतलब इसमें अलर्ट रहना है, बिकॉज देखिए यहां पर एक तो जो है नवे सेलर यहां पर जो है एक्टिवेट होते हैं, सेकंड जो है जो यहां पर पहले से जिन्होंने बाइंग करके रखा हुआ है वो अपनी एंट्री को जो है एग्जिट करते हैं, बिकॉज यहां पर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जब पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो जिन्होंने भी बाइंग करके रखा हुआ है, अब पहले देखिए यहां पर जो है हैंडल पैटर्न जो है हमको दिखाई नहीं दे रहा था, या किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब यहां पर कंप्लीटली एक हैंडल पैटर्न बन गया तो लोगों को ऐसा लगा, बायर्स को ऐसा लगा कि जो है अब यहां पर जो है कप भी रेडी हो चुका है और यहां पर जो है हैंडल भी इसका कंप्लीटली नियर अबाउट कंप्लीट हो चुका है। सो यहां से अब निकलना ही अच्छा है। और सेकंड ये भी होता है कि मतलब लोगों ने काफी नीचे से बाइंग की होती है, उन्होंने भी अपनी जो है पोजीशन काटनी होती है, तो यहां पर तीन तरह से सेलिंग आती है। एक तो जो जिन्होंने यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है वो सेल करते हैं, दूसरा यहां पर जो है ट्रैप हो चुके हैं वो यहां पर सेलिंग करते हैं, तीसरा यहां पर वो कुछ स्मार्ट लोग होते हैं जो यहां पर जिनको ये दिखाई दे रहा है कि अब यहां पर कप एंड हैंडल पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, सो वो लोग यहां पर सेलिंग करते हैं इस ब्रेकआउट के बाद, ये जो कैंडल रेड कलर की ब्रेकआउट हो चुकी है। अब यहां पर देखिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कि ये देखिए ये जो आप रेड कैंडल यहां पर आप देख रहे हैं जहां पर मेरा कर्सर है, यहां पर देखिए ये कैंडल का साइज कितना अच्छा है। जब भी ब्रेकआउट हो तो आपने कम से कम एटलीस्ट कैंडल का साइज और वॉल्यूम का साइज जरूर चेक कर लेना है। अब इसकी जो है यहां पर लो देखिए क्या लगा हुआ है, लो यहां पर लगा हुआ है 3372 का, 3372 रुपए का यहां पर लो लगा हुआ है। अब यहां पर देखिए आप स्टॉप लॉस यहां पर दो तरीके से रख सकते हैं। अगर आप बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहते तो जो कैंडल यहां पर नेक लाइन को ब्रेक कर रही है आप उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या फिर यहां पर जो भी आपको स्विंग हाई दिखाई दे रहा है आप यहां पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बट जो थंब रूल है वो थंब रूल ये है कि आपको इस हैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखना होता है। चलिए आइए अब हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर टारगेट कितना है।
तो यहाँ पर टारगेट जो है, यहाँ जो नेक लाइन है, नेक लाइन का प्राइस है 3430 रुपये, और इसका जो हाई लगा हुआ है वो प्राइस है 3700 रुपये। 3430 और 37, तो ये हो गया 270 पॉइंट्स। ओके, तो ये 270 पॉइंट हमको यहाँ पर देखिए मिले कि नहीं मिले, हम यहाँ पर यहाँ से देखना चाहेंगे। हमको 270 पॉइंट हमको बहुत आराम से मिल गए, हमको यहाँ पर 460 पॉइंट मिल गए, तो 416 पॉइंट हमको यहाँ पर मिल चुके हैं। तो इस तरह से ये काम करता है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। इसके कप के बीच का जो भी गैप होगा, नेक लाइन से लेके हाई तक जो भी गैप होगा, जितना भी प्राइस का गैप होगा, वो हमारा टारगेट होगा। स्टॉप लॉस के लिए देखिए मैंने आपको तीन तरीके बता दिए हैं। स्टॉप लॉस के लिए आप एक तो स्विंग हाई पर यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सेकेंड, अगर आप बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप यहां पर जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है आप वहां पर भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बट ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। जो कैंडल यहां पर नेक लाइन को ब्रेक कर रही है, अगर आप उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, रख रहे हैं, तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, बट चलता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं चलता है, चलता है, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो एटलीस्ट यहां पर कम से कम स्विंग हाई के ऊपर रखिए। अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहते, अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते, तो आप जो है इसको इस स्विंग हाई के ऊपर रख सकते हैं। सेकंड जो है, आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जहां पर आपका फर्स्ट टारगेट अचीव होता है वहां पर आप 70% क्वांटिटी बुक करके 30% क्वांटिटी को आप जो है ट्रेल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा टाटा पावर में जो है इस ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न इसमें बना था, तो मैं आपको टाटा पावर के चार्ट में लेकर चलता हूं और टाटा पावर में दिखाता हूं। यहां पर देखिए हमारे सामने ही आ गया, तो ये देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा, यहां पर एक कंप्लीटली डाउन ट्रेंड है। आप यहां पर देखिए ये कंप्लीटली एक डाउन ट्रेंड है, यहां कंप्लीटली ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ जो है प्राइस आ रहा है। ऊपर प्राइस जो ट्रेड कर रहा था वो कर रहा था 65 रुपीज पर, और नीचे की तरफ जो प्राइस आया 50 रुपीज, तो यहां 15 रुपए की ऑलरेडी गिरावट यहां पर हो चुकी थी। तो हमको ऐसे चार्ट पैटर्न में देखना है जहां पर कंप्लीटली जो है मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। अब यहां पर देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब मैं इसको चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं और आपके सामने यहां पर रखता हूं। ओके, तो यहां पर देखिए कंटी जो हमने एक कप जो है राउंड यहां पर जो है हमने फॉर्म करके रखा हुआ है, ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये देखिए जो आप अगर कैंडल को देखेंगे तो कैंडल कंटिन्यू देखिए इस राउंडिंग बॉटम के टॉप के साथ में होते होते हुए चल रही है, और हैंडल भी अगर आप देखेंगे तो हैंडल में भी देखिए ये एक राउंड शेप बना रही है ऊपर की तरफ से। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है मतलब कप एंड हैंडल पैटर्न, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न ड्रॉ करना भी आ गया होगा, और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छे से आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि हमको यहां पर हमारा टारगेट यहां पर मिला है कि नहीं मिला है। तो यहां पर जो टारगेट जो हमारा निकल के आ रहा है, ये हमारी नेक लाइन है, और ये हमारा जो है प्राइस का जो गैप है ये कितना है, ये 6 रुपये 40 पैसे है। ओके, तो मतलब 6.5 रुपये जो है यहां पर हमारा टारगेट होना चाहिए। देखिए 50 रुपीज का स्टॉक है, तो 6.5 रुपये भी जो है मतलब टारगेट छोटा नहीं होता है। तो यहां पर आप जैसा कि देख सकते हैं यहां पर कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, और 6.5 रुपये का टारगेट हमको, हम यहां पर ऐसे मैनुअली देख लेते हैं तो 54 रुपीज पर यहां पर नेक लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। 54 से हमको जो है 48 का मतलब 47.5 का हमको जो है टारगेट चाहिए। तो हम देखते हैं 47 पॉइंट क्या, हमको 29.30, हमको यहाँ पर 30 रुपीज का हमको यहाँ पर लो मिल चुका है, जबकि हमको चाहिए था 47 रुपीज, 47.5। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर जो है इन्वर्टर कप एंड हैंडल के थ्रू हमको यहाँ पर मिला है। सो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कभी भी जो है ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट मिलते ही आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, टारगेट आपका आते ही आप यहां पर अपना प्रॉफिट पूरा बुक कर लीजिए, ऐसा आपको नहीं करना है। आपका जहां पर भी आपका टारगेट अचीव होता है, आपने जो भी टारगेट लगा के रखा है 1:1, 1:2 जो भी होता है, तो वहां पर आपको जो है 70-80% क्वांटिटी बुक करनी है। आपको जो रेस्ट क्वांटिटी जो रहती है, जो बैलेंस क्वांटिटी आपकी रह जाती है, आप उसको ट्राई करिए ट्रेल करने का, बिकॉज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गिव अस ए बिग प्रॉफिट। ये ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस होता है ये हमको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकता है, जिसकी हमने जो है सोचा भी नहीं होगा इतना बड़ा प्रॉफिट कई बार हमको मिल जाता है। ओके, तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा टाइटन में इन्वर्टेड जो है कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न यहां पर बना था। तो अभी टाइटन का हमने चार्ट खोल लिया है, अब हम इसको पीछे कर रहे हैं। तो मैंने यहां पर ड्रॉ करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए, इसको हम देख लेते हैं, लगता है ये बहुत पीछे है। तो टाइटन
कहाँ गया भाई? ये देखिए, मैं इसको अभी पीछे कर रहा हूँ, शायद इसमें से मैंने डिलीट तो नहीं किया। नहीं, डिलीट नहीं किया। ये देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं यहां पर एक चीज दिखाऊंगा, जो मैंने आपको फर्स्ट रूल जो बताया, जो मतलब इस पैटर्न के सबसे पहले शुरुआत में हमने हमने देखना है, वो है एक डाउन ट्रेंड। इस तरह से डाउन ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये हमको एक डाउन ट्रेंड मिल गया। डाउन ट्रेंड के बाद ये कप देखिए, कप जो है एग्जैक्टली जो ये राउंड शेप आप देख रहे हैं, तो इस राउंडिंग शेप में ही ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। और जो है देन जो है इसके बाद आप देखिए हैंडल के टाइम में भी देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली जो है ऊपर से नीचे की तरफ ये राउंड जो है शेप बनाते हुए नीचे की तरफ आया है। तो यहां पर देखिए हमारा स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस देखिए हमको कहां पर हमारी एंट्री मिली, पहले तो हम वो चेक कर लेंगे। ये एंट्री देखिए हमको इस कैंडल पर मिली है, ये जो रेड कैंडल है, बड़ी कैंडल देख रहे हैं, हमको यहां पर एंट्री मिली है। सो हमारा जो नेक लाइन का जो ब्रेकआउट, देखिए हमारा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न तो यहीं पर ड्रॉ हो चुका था, बट यहां पर मार्केट ने कंटिन्यू कुछ टाइम तक जो है टाइम स्पेंड किया यहां पर, और फाइनली यहां पर आके कुछ टाइम के बाद हमको यहां पर एंट्री मिली है। इस रेड कैंडल ने जो है ब्रेकआउट दिया, तो ये हमारा यहां पर जो नेक लाइन है वो है 897। तो 897 का नेक लाइन है। ओके, हम यहां पर देखेंगे पहले, तो हमारा 908 का यहां पर नेक लाइन यहां पर आ रहा है। हमने कप में देखना है, हमको एंट्री कहां पर मिलती है दैट्स नॉट मैटर, वो मैटर नहीं करता है। हमने कप का साइज देखना है, कप का साइज क्या है, कप का साइज ही हमारा टारगेट होने वाला है। तो ये जो है 908 और ऊपर का जो हाई लगा हुआ है वो 948, तो 40 रुपीज का यहां पर टारगेट है टाइटन में। और आपका यहां पर जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस आप अगर यहां पर देखेंगे तो आपको इस कैंडल के ऊपर रख सकते हैं, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, या फिर ये जो स्विंग हाई आप देख रहे हैं आप इसके ऊपर भी रख सकते हैं। तो यहां पर 923 का यहां पर जो है आपको स्टॉप लॉस अगर आप स्विंग हाई पर रखते हैं, और अगर आप कैंडल यहां पर हैंडल के ऊपर रखते हैं तो 938 का, अगर आप इस कैंडल के ऊपर रखते हैं जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, तब तो आपका स्टॉप लॉस एक बहुत छोटा सा है, 908 रुपीज का आपका जो है यहां पर स्टॉप लॉस होने वाला है। ओके, और आपको एंट्री यहां पर मिल रही है 894 के नीचे, आपको यहां पर एंट्री मिल रही है। तो 40 रुपीज का यहां पर टारगेट था, तो हम यहां पर देखते हैं हमारा टारगेट जो है 896 और नीचे की तरफ जो है 853, तो हमको यहां पर 853, तो आप यहां पर देख सकते हैं 43 रुपीज का हमको यहां पर देखिए टारगेट मिल गया। सो हमारा जो है 1:1, सॉरी, जो हमारा कप का जो टारगेट था वो टारगेट जो है बहुत इजिली यहां पर अचीव हो गया है। आपको मैं चार्ट में और दिखाना चाहूंगा, वोल्टास में ये बना था इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, तो वोल्टास का हम चार्ट खोल रहे हैं। देखिए आप जो है पैटर्न को अपने चार्ट में ड्रॉ करिए, ड्रॉ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कप एंड हैंडल पैटर्न कब फॉर्म हो रहे हैं, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न कब फॉर्म हो रहे हैं। कोई भी चार्ट पैटर्न है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको जो है मतलब यहां पर सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। सो मेरे दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो मैं आपको चार्ट पैटर्न यहां पर बताता हूं, सिखाता हूं, इसकी प्रैक्टिस जरूर किया करिए। विदाउट प्रैक्टिस जो है मतलब ये इन चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ओके, तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, ये देखिए कितना बढ़िया कप, और यहां राउंडिंग कप भी है और राउंडिंग जो है हैंडल भी है। ओके, तो यहां पर भी टारगेट देखिए कितना इजिली, इसका जो हाई लगा हुआ है हम देखेंगे कितना है 635, और इसका जो नेक लाइन है हम यहां पर नेक लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमने नेक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो हमारा यहाँ पर टारगेट जो है 560 और ऊपर का जो टारगेट है ये 630, तो 560 और 630, तो यहाँ पर 70 रुपीज का टारगेट है। तो हम यहाँ पर देखते हैं 70 रुपीज का तो टारगेट हमको लगता है बहुत, 560 और नीचे का जो लो लगा हुआ है वो 470, तो यहाँ पर 110 रुपीज का हमको यहाँ पर टारगेट मिल गया, बहुत इजिली मिल गया है। अच्छा, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, ये जो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न है ये इंडेक्स में भी बनते हैं, और जब ये इंडेक्स में बनते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी मूव, कितना अच्छा प्रॉफिट वहां पर आपको मिल सकता है। मैं अब निफ्टी के चार्ट में आपको दिखाऊंगा कि निफ्टी के चार्ट में ये कब बना था, ठीक है। और ये आप ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह के कप एंड हैंडल पैटर्न आपको मिले इंडेक्स में, तो आप समझ लीजिए कि आपकी चांदी होने वाली है। ओके, तो सबसे पहले आप ऊपर से देखिए, ये एक डाउन ट्रेंड है, अगर आपको यहां पर साफ दिखाई दे रहा हो, ये एक डाउन ट्रेंड है अभी। और यहां पर ये देखिए, और ये देखिए यहां पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न यहां पर फॉर्म हुआ है। ओके, तो
इस कप एंड हैंडल पैटर्न का हमारा जो टारगेट जो निकल के आ रहा था 11,980 और नीचे के तरफ का जो था वो 11,591, तो 400 पॉइंट्स का आप जो है मान के चलिए कि अब हमको 11,500 से 11,400 का हमको यहाँ पर टारगेट चाहिए। तो 11,400 का हमको यहाँ पर 10,700 का टारगेट मिल चुका है। तो यहाँ से सोच लीजिए आप, हमको यहाँ डबल टारगेट ही मिल चुका है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न जब भी यहाँ पर फॉर्म होते हैं। इंडेक्स में आपको जो है बैंक निफ्टी में भी दिखाता हूँ, तो निफ्टी बैंक में आपको यहाँ पर देखिए कितना अच्छा, सॉरी बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर बना था, मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के इंडेक्स का मैंने चार्ट खोल के रखा हुआ है। तो यहां पर देखिए, अब सबसे पहले तो दोस्तों ये देखिए ऊपर से एक डाउन ट्रेंड, ये देखिए सबसे, ऐसा नहीं है कि देखिए कई बार कई लोगों से मिस्टेक हो जाती है कि वो जो है डाउन ट्रेंड में है जो है कप एंड हैंडल पैटर्न ड्रॉ करते हैं और अप ट्रेंड में जो है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। तो इस चीज का ज्यादा ध्यान रखिएगा, डाउन ट्रेंड में आपको इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न ढूंढना है और अप ट्रेंड में आपको जो है कप एंड हैंडल पैटर्न ढूंढना है। डाउन ट्रेंड में इन्वर्टेड और अप ट्रेंड में कप एंड हैंडल पैटर्न। ओके, तो यहां पर आप देखिए, यहां पर देखिए जो मैंने कप यहां पर ड्रॉ करके रखा हुआ है, यहां पर देखिए जो ये राउंड जो मैंने यहां पर ड्रॉ है कप, एक समझिए एक राउंड की तरह होता है। तो इस राउंड को टच करते हुए ऊपर से अब ये नीचे की तरफ भी जो है टच करते हुए इस नेक लाइन की तरफ ये देखिए पहुंचा है। अब इस नेक लाइन पर आने के बाद जो है नेक लाइन से फिर इसने एक बाउंस बैक लिया और बाउंस बैक लेने के बाद देखिए फिर इसने जैसा एक कप बनाया था सेम वैसा ही एक हैंडल भी बनाया है। ओके, तो यहां पर अभी हम देखेंगे कि कितना यहां पर टारगेट है हमारा। तो देखिए इस कप के सेंटर में मान लीजिए ये इसका राइट पॉइंट है, ये इसका लेफ्ट पॉइंट है, ये इसका सेंटर है। तो आपने सेंटर से जो है इसका गैप नापना है कि सेंटर से कितना गैप होता है। सॉरी पहले मैं, तो ये इसका हाई है, हम हाई को पकड़ेंगे, हमने यहां पर हाई लिया और इसका जो है सेंटर हम देखेंगे कितना है, 1750 पॉइंट का हमारा जो है यहां पर टारगेट है। ओके, तो 1750 का टारगेट हम यहां पर देखते हैं अचीव हुआ है कि नहीं अचीव हुआ है। आप शायद यहां पर देखते ही बता सकते हैं कि टारगेट तो बहुत ज्यादा बहुत बड़ा अचीव हो चुका है। तो यहां पर नियर अबाउट 11,000 पॉइंट से भी ज्यादा का जो है टारगेट यहां पर अचीव हुआ है। बैंक निफ्टी जिस टाइम, आपको याद होगा कि जिस टाइम गिरना चालू हुआ था बैंक निफ्टी, जिस टाइम ये पैटर्न बना था उस टाइम मार्केट का प्राइस था 30-31 हजार। ओके, तो 30-31 हजार से आप देख सकते हैं 31 हजार से मार्केट कहां पर आ गई थी, 16 हजार पर। तो 15 हजार पॉइंट जो है बैंक निफ्टी गिर गई थी। सो आप लोगों को जो है ये चीजें ध्यान रखनी है कि जब भी मार्केट में इंडेक्स में, खास करके इंडेक्स में जब भी इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म होता है तो वहां समझ लीजिए अगर आपने बिल्कुल सही ड्रॉ किया है और सही पकड़ा है तब जाकर आपको ये प्रॉफिट मिलने वाला है। और वो प्रॉफिट जो है बहुत बड़ा होता है अगर ये इंडेक्स में इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म होते हैं तब। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ड्रॉ करिए, सीखिए, प्रैक्टिस करिए। सेकंड जो है देखिए, अगर आप हमारे साथ हमारे सपोर्ट ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है अलाइस ब्लू का, आप वहां पर जाके लिंक के थ्रू अपना अकाउंट अलाइस ब्लू में खोलिए, आप हमारे सपोर्ट ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। वहां पर मैं कुछ कॉल वगैरह देता रहता हूँ इंट्राडे की कॉल। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे वहां से चाहे आप अपने सर्च बार में जाके एंजल टेक एनालिसिस लिखिए, वहां पर ऑलरेडी 65,000 लोग जो है वहां पर ऐड हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप भी वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं जाके। वहां पर मैं इस तरह के चार्ट पैटर्न, इंट्राडे के कॉल्स, इंट्राडे में जो भी पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं, तो मतलब काफी नॉलेजेबल चीजें वहां पर मैं पोस्ट करता रहता हूं। अगर आप चाहते हैं फ्री टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप जाइए, आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपकी जो है क्वेरी को है सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर मोटिवेट जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।